वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भारत देश में सबसे ज्यादा देवी देवता, गुरु, पीर, पैगंबर सभी हैं, लेकिन हमारा देश सबसे अधिक पिछड़ा देश माने जाना लगा है, क्योंकि इस वीडियो में सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। नंबर एक, भारत में पुराने समय में भालू, बंदर पढ़े लिखे थे, इसीलिए तो उन्होंने पत्थरों पर श्री राम लिख कर राम सेतु बना दिया, लेकिन आज के समय में सारे मंत्री अनपढ़ आ रहे। नंबर दो, भारत के पास लक्ष्मी देवी है, जो कि धन की देवी है, जो सभी को धन देती है, पर हमारा देश गरीब है, टॉप 10 में भी नहीं आता और अमेरिका सबसे अधिक अमीर देश है। नंबर तीन, इसी तरह माँ सरस्वती भारत की विद्या की देवी है, लेकिन फिर से हमारा देश कहीं दूर पर बैठा है और पहले नंबर पर पढ़ाई लिखाई के अंदर साउथ कोरिया और भारत कहीं पर नहीं दिखता है। नंबर चार, विष्णु जी हमारे देश के परम देवता हैं, वहीं हमारे देश के लोग भूख से मरते जाते हैं। नंबर पांच, ब्रह्मा जी ज्ञान के देवता हैं, पर हमारे देश के अधिक से अधिक मंत्री अनपढ़ होते हैं। नंबर छह, इंद्र हमारे देवता हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किसान दुनिया में यदि कहीं पर दुखी हैं तो वह भारत के दुखी हैं। या तो यहाँ पर अकाल पड़ जाता है या फिर सैलाब आया होता है। नंबर सात, चांद हमारे देवता है, लेकिन अमीर चांद पर भी धरती खरीद रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नासा और इसरो का कहना है कि उन्होंने तो चांद के ऊपर जीवन ढूंढ लिया है, लेकिन गुरु साहिब जी गुरबाणी के अंदर लिखते हैं कि चांद और सूरज दोनों एक जलते दिए की तरह है, वहां पर जीवन कभी भी संभव नहीं हो सकता है। नंबर आठ, शिव हमारे सबसे बड़े देवता है, वहीं हमारे ही देश के वो लोग चलते चलते अटैक से मर जाते हैं, लेकिन दुश्मन का बाल भी भागा नहीं होता, हमें ही बॉर्डर के ऊपर अपनी फौज खड़ी करनी पड़ती है। नंबर नौ, राहु केतु भी हमारे देश के हैं, लेकिन यह किसी और की जड़ों में बैठने की जगह भारत के लोगों की ही जड़ों में बैठ चुके हैं। नंबर 10, धनमंत्री भी हमारे ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गरीब हमारे देश के ही लोग हैं। अब आप में कोई ब्राह्मण, पंडित या विद्वान इसके ऊपर हमें जवाब जरूर दे। हमारे साधु संत फूंक मार कर लड़का पैदा कर देते हैं, वहीं आयुर्वेद का जन्म भी हमारे देश के अंदर ही हुआ है। यदि दुनिया के अंदर हम धर्म की बात करें तो सबसे बड़ा धार्मिक देश हमारा है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग अंदाजा लगाइए कि क्या मैंने झूठ बोला है या मैंने सत्य बोला है। इसका जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर हमें जरूर देना। इस वीडियो को आगे शेयर भी कर देना, ताकि इस वीडियो का उचित से उचित जवाब हमें मिल सके। मिलेंगे और नए वीडियो के अंदर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें और वीडियो को लाइक करने के बाद, कमेंट करने के बाद व्हाट्सएप में शेयर जरूर करना।